जीवन में संघर्ष अलग चीज होती है, जो तुमने किया वो संघर्ष नहीं था। संघर्ष और ब्लैकमेल में कुछ फर्क होता है। Exactly. तुमने अपनी जिद के लिए अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करने की कोशिश की टप्पू, जो ठीक नहीं था। ओके ओके, तो टप्पू सेना की तरफ से टप्पू उफ टिपेंद्र, मैं आप सभी को सॉरी कहता हूँ। सॉरी सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, जिस होटल में आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग साइकिल लेके पहुँचते हैं, तब तक हम लोग को भूख भी लग जाएगी। और अगर नहीं लगी तो हम लोग आइसक्रीम खा लेंगे। ठीक है चलो भाई, चलो। सारे लोग शांत हो जाओ भाई, क्या चिल्लपा मचा रखी है। इतना बड़ा सुपरस्टार सलमान खान गोकुलधाम सोसाइटी में, भाई इन्हें भी कुछ बोलने दो। गाड़ी चलाए तुम लोग और बिल फटे मेरे पे। इतनी छोटी साइकिल तुझे दिखती नहीं है? सॉरी सर। गाड़ी लोग चलाए और बिल मेरे फटे। आपकी साइकिल की वैल्यू कितनी थी? 3,000 की। 3,000 की? दे पैसे, देख क्या रहा है? पैसे नहीं है सर। चला था। इनके चिकाड़ी। आत्माराम, जहर डालर को पैसा देना चाहिए। सलमान भाई क्यों दे रहे हैं? जाओ पूछो सलमान भाई को। ठीक है। माँ की कसम खा के कहे कि तेरे पास पैसे नहीं है। सर देना फिर। भाई माँ की कसम चीज ही ऐसी, अच्छे अच्छे को सच बोलना पड़ता है। सही बात है, यही हमारा भारत की संस्कृति है। रहना दो ना भाई, क्या जरूरत थी? यार इसे बोलते हैं स्क्रैच एंड विन। स्क्रैच भी किया और 3,000 रुपए भी जीते हैं। माफी मांगा? मेरे पास ओहो, ये बॉडी गार्ड तो एटीएम भी है। सही बात है, जेब में हाथ डालो और पैसे निकालो, कमाल है। माल है सलमान प्रादो, ग्रेटेस्ट ग्रेट है। वैसे सलमान भाई एक बात समझ में नहीं आई, ये मेरा बेटा टप्पू ने अपनी साइकिल आपकी गाड़ी से टकराई, उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप उसका पीछा करते करते यहाँ तक क्यों आए? नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं, अरे बिल्कुल सलमान खान भाई। अरे देव बहन, आपको मेरा नाम पता है? टप्पू के पापा इनको मेरा नाम पता है। कैसे इनको मेरा नाम पता है? अरे
अरे सलमान खान भाई, आप तो हमारे दिल में रहते हैं। आप भी हमारे सीने में रहती हो। तो कॉपर क्या, आप तो हमारे घर पर भी आ सकते हैं। कौन सा फ्लैट किधर है? वो है। अरे वो सब छोड़, अभी आरती ले था, आरती तो उतार सलमान भाई की जल्दी। आइए पधारिए सलमान खान भाई जी, आइए पधारिए सलमान खान भाई जी। स्वागत। ऐसे कैसे हो गया स्वागत? अरे अरे सलमान भाई, हमें अगर पता होता पहले से तो हम फटाके ढोल सब तैयारी करके आपका स्वागत करते हैं। आने के पहले एक पोस्ट कार्ड डाल देना चाहिए था और कुछ नाचा भी मंगवा लेते। ओ कहो तो यारो, अभी ढोल मंगा लो। हो गया सुनिए, अभी हो गया है। मेरी दया का ऐसा ही हो, ऐसा ही करती है मेहमानों का स्वागत, ऐसे आरती जाए बधाई। अभी तो गरबा तो दिखाई नहीं। आप हमारे साथ गरबा करेंगे? खेलेंगे ना? अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। मजा आ गया नहीं? लेकिन सलमान साहब, एक सवाल अभी भी दिमाग में है कि टप्पू की साइकिल आपकी कार से टकराई, स्क्रैच भी आया, आपको कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक आए आखिर क्यों? तुम सबकी लेने आया हूँ क्लास। तुम बच्चों को यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलने देते? कौन ऐसे अपा फैला रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सलमान भाई, हम बच्चों को खेलने देते, लेकिन बच्चे का अभी एक नया डिमांड लेके आए कि हमको कंपाउंड में सीजन बॉल से खेलने का, इसलिए मना कर रहे हैं। तो क्या टेनिस बॉल से खेलेंगे? रूई का बॉल मंगा के दूं? अरे बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, आप बात की गहराई को नहीं समझ रहे भाई। क्या है कि इधर हम लोग का इधर क्रॉन्केट का ग्राउंड है ना, तो इसमें का सीजन बॉल ऐसे उछलता है तो उनको लग सकता है, इधर सोसाइटी में बहुत लोग घूमते रहते हैं उनको लग सकता है, इसलिए हम मना कर रहे हैं, और कुछ नहीं। बच्चों को चोट ना लगे सिर्फ इसीलिए मना किया? तो फिर ग्राउंड भेजो। हाँ, वही बोला। लेकिन सलमान साहब, यहाँ से ग्राउंड बहुत दूर है और बच्चों की वेकेशन है, हम सबके तो अपने अपने काम है, कैसे ले जा सकते हैं हम बच्चों को वहाँ? हमारा आपका जैसा नहीं है ना। नहीं मतलब आप बड़े स्टार है, आप काम पे जाओ नहीं जाओ किसकी हिम्मत है आपको बोलने की, लेकिन हमको तो क्या रोज काम पे जाना ही पड़ता है। तो आप लोग कितने हो यहाँ पर? हम लोग बच्चे देते जाओगे। नहीं, मेरे ख्याल से वो सिर्फ जेंट्स की बात कर रहे हैं। सात, सेवन, सेवन। हाँ। तो एक एक आदमी इनको लेके जाएगा ना क्रिकेट खेलने के लिए। हाँ, वो। अच्छा, समझा बीड़ा। हफ्ते के सात दिन और हम लोग सात लोग, तो रोज एक जन बच्चों को ग्राउंड में ले जा सकता है ना। हाँ। क्या बात है, क्या दौड़ निकालना सलमान भाई, वाह। अप्रतिम आइडिया। ये आइडिया हमारा किसी के दिमाग में नहीं आया। हाँ। सलमान प्रात उसे ग्रेटेस्ट ग्रेट और ग्रेट टफ से ना, तो अब तुम लोगों को रोज ग्राउंड में जाके सीजन बॉल से खेलने को मिलेगा। ये थैंक यू सलमान भैया। थैंक यू सलमान भाई। सलमान साहब माफ कीजिएगा, एक सवाल अभी भी दिमाग में है कि भाई हम लोग टप्पू सेना को सीजन बॉल से क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे, ये बात आपको कैसे पता चली? अरे हाँ, मैंने न्यूज चैनल पे मोटे मोटे बच्चों की भूख हड़ताल देखी। रीटा रिपोर्टर, तभी बोल रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी खाना छोड़ दिया, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं यहाँ पर आया। So nice of you. Okay. एक टप्पू, गाड़ी का डिक्की खोल, उसके अंदर एक एक मिनट, मैं खोलूं। ओके सॉरी, जा बेटा तू। वाओ,
वेलकम वेलकम। सलमान जी, आपने तो बच्चों को क्रिकेट किट दे दिया, पर हमें क्या? बड़ी भुक्कड़ सोसाइटी है ये, है ना? क्या? गाड़ी के डिक्की के अंदर है बम्पर चीज। अरे भाई, एक एक छाता हो तो मजा आ जाए। अरे मिठाई के डब्बे होने चाहिए। बम्पर बम्पर चीज। हो गया हो गया, शाबाश। ये उधर उधर बैठा, उधर जगह खाली कर अभी मेरा ना। पर चीज गाड़ी पे ट्रक अच्छा नहीं लगता। ये इसकी बात कर रहा है। पहला सीडी आपको दिया हूं मैं। थैंक यू मेंशन डॉट। वेलकम। बाद में सबको बांट देना, सबको बांट, बाद में मिलेगा सबको। सलमान भाई, रेडी के सारे गाने मैंने सुने, सब हिट है। उसमें तो वो करेक्टर ढीला और वो दूसरा है ना, वो डिंग चिक्का हे 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 हे, फैंटास्टिक, एकदम फर्स्ट क्लास। आओ यार सलमान भाई, आपकी फिल्म रेडी के सारे गाने अभी से सुपर हिट है। मैंने उसके ऊपर म्यूजिक रिव्यू भी लिखा है। मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। अरे हाँ कल ही पढ़ा मैंने, कल ही पढ़ा मैंने। आप तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हैं? दादा मुंह मत खोल वरना पढ़ना बंद भी कर सकते। सलमान भाई, आपकी फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ सलमान भ्रा, ओ बाकी सब तो बढ़िया है। ये सीडी पे लिखा है आपकी पिक्चर बनकर रेडी है। ओ आपके पुत्र का नाम क्या है? ये आप ही के सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, बहुत मजाक किया है, बहुत मजाक करते रहते हैं। दया बहन, वन रिक्वेस्ट। हाँ हाँ बोलिए ना। और जाके टी सीरीज का भक्ति वाला मोबाइल लेके। दया बहन, एक रिक्वेस्ट है, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि आप आपकी आवाज इस पुल थ्रू के अंदर रिकॉर्ड करके देंगे। माता जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सलमान खान भाई अभी यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप इसका करेंगे क्या? इसका जब फैन मुझे परेशान करते हैं रात रात भर, उनको ये आवाज सुनाऊंगा। अच्छा, तो मैं अब ऐसा बोलूंगी कि फैन लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। ये लीजिए, बोलिए। सलमान खान भाई बहुत नीचे है, उनको बार बार डिस्टर्ब मत करना, समझे? ये मेरे को भी सिखाओ ना, मेरे को भी सिखाओ ना कैसा है। अरे क्या अभी? कैसे? आप तो बहुत बड़े कलाकार हो। सिखाओ ना, मैं अगली पिक्चर में यूज करूंगा, नॉट रेडी में। एक मोबाइल है, मोबाइल रिकॉर्ड कर लेते हैं, सलमान भाई का आवाज रिकॉर्ड करते। सलमान खान कैसा? सलमान खान भाई, भाई अभी भी जी, अभी भी जी। बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, समझे? लाइफ में अभी कोई फैन सलमान भाई को परेशान नहीं करेगा। सो क्यूट। दया भाभी, आज तो सलमान खान आपके फैन बन गए। अरे वो चंपक किधर है? चंपक चाचा, मैं चाचा, इधर आओ। ये वो बेटा, वो स्पेशल फोन है टी सीरीज वाला, भक्ति के गानों का। अरे वाह 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 सलमान बेटा, तुम तो बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी ख्याल रखते हो। रखना पड़ता ना, ये यहाँ पर रहकर दुआएं देंगे, आप ऊपर जाके दुआएं दोगे। अरे यही तो होती है बड़े लोगों की पहचान। और एक बात बोलूंगा, वो तुम जो वो ह्यूमन बीइंग ट्रस्ट चलाते हो ना, बीइंग ह्यूमन, हाँ हाँ वही बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट चलाते हो ना, वो सबसे अच्छा काम करते हो, हमेशा करते थे। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा सलमान खान भाई, अभी क्या है, हम सब आपको जानते हैं लेकिन आप हम सबको नहीं जानते ना, तो मैं सबकी पहचान करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है और शिक्षक भी हूँ मैं। इनसे तो आप मिल चुके हैं, हमारे चाचा जी मिल चुके हैं। ये है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बापूजी का बेटा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी आपको चाहिए, एक फोन घुमा देना, बंदा हाजिर हो जाएगा लेके। और ये हमारे साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, वणक्कम। और सलमान साहब, मेरा नाम तारक मेहता है और मैं एक लेखक हूँ।
और सलमान भरा और मैं पंजाब का पुत्र रोशन सिंह अरजीत सिंह सोढ़ी और मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। बहुत अच्छा यार है मेरा। सलमान भाई मेरा नाम है डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हाथी। सलमान भाई अब्दुल भाई का सलाम। सलमान जी वो जो कॉर्नर में खड़ी है बबीता जी माय वाइफ। उनके बगल में जो खड़ी है वो सलमान भाई वो इतनी सुंदर जो खूबसूरत लेडी खड़ी है ना और मेरी बोटी रोशन वो भी रोशन मैं भी रोशन वो रोशन दारू वाला सोडी सेफ जी। हाँ सलमान भाई और वो जो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा खड़ा है ना वो मेरा पुत्र गुरुचरण सिंह गोगी। और ये है मेरी धर्मपत्नी माधवी आत्माराम भिड़े। नमस्कार मैं अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ। और ये मेरी बेटी सोनू। हाय। पढ़ने में बहुत होशियार है। हाँ खूब अच्छा। आई एम अ वेरी बिग फैन। और ये है कोमल भाभी जी। नमस्ते सलमान जी। सलमान भाई मैं गोली। हाँ पेटू। और वो जो खड़ा है वो टप्पू सेना का मेंबर पिंकू। हाय सलमान भाई। पता है सलमान भाई टप्पू अपनी स्टाइल बहुत अच्छी करता है। टप्पू करके बताना। बोल दो बेटा। हाँ लाइफ में तीन चीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। आई मी एंड माय सेल्फ। वाह क्या बात। आई मी माय सेल्फ। बल्ले 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 बल्ले। थैंक यू। चलो मैं तो जाते जाते एक महत्वपूर्ण चीज बोल के जा रहा हूँ कि माँ बाप की इज्जत करना और माँ बाप का सुनना। और अगर माँ बाप ने कभी गलत तरीके से डांटा तो एक काम कर मेरा नंबर लिख। 982 जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा फेम नहीं रखता साइंटिस्ट ओके। तो दोस्तों देखा आपने सुपरस्टार सलमान खान ने गोकुल धाम में जो धूम मचाई गरबा की ताल मिलाई दया भाभी के साथ भाई कमाल कर दिया सलमान खान ने। और अब वो जो करने जा रहे हैं वो तो और कमाल है भाई। इस देश का हर वो आदमी जो सलमान खान का फैन है वो चाहता है कि सलमान साहब का फोन नंबर मिल जाए और सलमान साहब ने यहाँ उत्सुकता बढ़ा दी है अपना फोन नंबर दे रहे हैं वो। मैं जानता हूँ आप भी इंतजार में हैं मैं भी आप भी उत्सुक हैं और मैं भी। अब देखना ये है कि सलमान खान और क्या क्या करते हैं गोकुल धाम में। क्या वो सबके घर जाएंगे और दया भाभी तो बगैर खाना खाए सलमान साहब को जाने नहीं देगी तो क्या होने वाला है भाई। खूब सारी धूम खूब सारी मस्ती गोकुल धाम में। धूम और मस्ती तो होती ही रहती लेकिन इस बार सुपरस्टार सलमान खान के साथ। अगला एपिसोड देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना तो चलिए यूट्यूब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।